हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक न्यू ईमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप भी एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई के नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है इफाम और आप देख रहे हैं आईटीसी इफाम टेक कवरेज। यहाँ पर आपको टेक्निकल कंटेंट्स मिलते हैं और मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नया ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट होना है। इसके लिए आप मोबाइल डाटा या फिर वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है, और जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर में आपके अकाउंट का लोगो दिख जाएगा। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर आपके द्वारा क्रिएट किए गए सारे आपके ईमेल आईडीज दिख जाएंगे। अब आपको यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको गूगल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड इंटर करना है। यहाँ पे आपको 4-5 सेकंड वेट करना है। उसके बाद आपको नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, फॉर माई सेल्फ और टू माई बिजनेस। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप खुद के लिए इंडिविजुअल पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे फॉर माई सेल्फ क्लिक करना है, और अगर आपका कोई बिजनेस है तो यहाँ पे आप टू मैनेज माई बिजनेस पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम इंटर करना है, और लास्ट नेम ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको बिना इंटर किए भी प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर फिल करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे जीमेल एड्रेस दिख जाएंगे, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आता है तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस का, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपना खुद का जीमेल एड्रेस कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो जीमेल एड्रेस ऑलरेडी यूज़ हो चुका होगा तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा, तो आपको फिर से आप यूज़ कर सकते हैं जो यूज़ नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से आप ईमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है, और हाँ, आपको पासवर्ड याद रहना चाहिए। ऐसा पासवर्ड सेट मत करना जो आप भूल जाए, क्योंकि इसी को आप यूज़ करने वाले हैं जब आप जीमेल में इससे साइन इन करेंगे। तो ये करने के बाद अगर आप मोबाइल ऐड करना चाहते हैं मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे यस आई एम इन पर क्लिक करना है, और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। आगे कभी ज़रूरत पड़ा तो आप इसको फिर से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्किप कर देते हैं अभी के लिए, और स्किप करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इन्हें आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद से आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद 2 से 3 सेकंड्स आपके लगेंगे और आपका सक्सेसफुली जीमेल एड्रेस बनके रेडी हो जाएगा, और आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने जीमेल ऐप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईमेल आईडी बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से एक न्यू ईमेल आईडी को क्रिएट किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।